जौनपुर में फिल्म भगवान हाजिर हो की शूटिंग शुरू। जिला के डीएम व प्रशासन का विशेष सहयोग से संभव हुआ फिल्म की शूटिंग, ये कहना है निर्देशक सचिन यादव का। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए फिल्म निर्माता निशिकांत झा, निर्देशक सचिन यादव ने जिला जौनपुर बेहद रोचक फिल्म भगवान हाजिर हो की शूटिंग शुरू कर दी। फिल्म निदेशक सचिन यादव ने बताया कि इस फिल्म की शुरुआत करने में जिला के डीएम व प्रशासन का हमें विशेष सहयोग के मिला है। फिल्म के शूटिंग में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जा रहा है। इस फिल्म में मुख्य किरदार प्रवेश लाल यादव, मशहूर गायक समर सिंह व अंशुमान सिंह करते नजर आएंगे। अभिनेत्री के रूप में यामिनी सिंह व गरिमा मौर्य अपनी अदाकारी अंदाज में दर्शकों को मनोरंजन करती नजर आएंगी। आइए देखते हैं जितेंद्र शर्मा की जौनपुर से एक खास रिपोर्ट। तो इसलिए जौनपुर के मंत्री को मैं सैल्यूट करता हूँ। यहाँ के प्रशासन, अधिकारी, पुलिस, सभी लोग इतना मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी जन्मभूमि है और उत्तर प्रदेश हमारा है। पूरा हिंदुस्तान में लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन में यहाँ की प्रशासन हमारे साथ है। पूरी तरह से प्रिकॉशंस लेकर के सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बहुत सावधानी से मैं फिल्म बना रहा हूँ और मेरा वहाँ घर है तो मुझे काम करने में बीच में हूँ, मेरे परिवार के बीच में हूँ, गाँव के बीच में हूँ, मुझे जुड़ा हुआ बहुत अच्छा फिल्म है। सर, भगवान हाजिर हो किस तरह की फिल्म होगी? देखिए, दूसरी बात मेथोलॉजिकल है, ये अलग कॉन्सेप्ट है। हालांकि जब किसी भी मीडियम में सभी लोगों के कॉन्सेप्ट है, एक्चुअल में भोजपुरी में कुछ हट करके है और देखेंगे तो अपना जो इसमें जो है हमारे स्टार कास्ट में प्रवेश लाल यादव जी हैं और समय सिंह जी हैं, यामिनी सिंह जी हैं, आयुष्मान सिंह राजपूत हैं, रोहित सिंह हैं, अयाज खान हैं। तो जितने सब मुझे वो कलाकार हमारे इस फिल्म में हैं, जिसको फिल्म के निर्माता हमारे निशिकांत झा जी और श्री रविशंकर सिंह जी हैं, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। सर निशिकांत जी हैं और रविशंकर सिंह मैं हूँ, सहायक प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं सचिन यादव जी जो हमारे साथ बैठे हुए हैं। इन्हीं ये यही हमको फिल्म लाइन में लाए हैं, इन्हीं के कारण हम जुड़े हुए हैं। तो फिल्म लाइन में आगे वो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? फिल्म लाइन अच्छा लाइन है, इससे सबको काम बिजनेस मिलता है, काम मिलता है, नाम होता है, समाज में अच्छाई और बुराई की खबर जाती है। सचिन यादव जी के बारे में क्या कहेंगे आप? सचिन जी हमारे अच्छे दोस्त हैं, उसके बाद ये डायरेक्टर हैं। हम दोनों का दोस्ती 2 साल पुराना है। हमारे लिए जीते हैं, हमारे लिए मरते हैं और मेहनती डायरेक्टर आज तक जब से हम देखे इस लाइन में इतना कोई नहीं। थैंक यू। तो मैं समर सिंह आप सभी लोगों को प्रणाम कर रहा हूँ और जितने भी इस चैनल से जुड़े हुए लोग हैं सभी लोगों का स्वागत है। और नमस्कार, मैं हूँ संतोष पहलवा और जौनपुर में आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और यहाँ हम लोगों की फिल्म शूट हो रही है भगवान हाजिर, जिसके डायरेक्टर हैं सचिन यादव जी और प्रोड्यूसर हैं निशिकांत झा जी। और ये एक मल्टी स्टार कास्ट फिल्म है, इसमें हमारे इंडस्ट्री के बहुत अच्छे अच्छे कलाकार काम कर रहे हैं, जैसे हीरो में प्रवेश लाल यादव जी हैं, समर सिंह जी हैं, अंशुमान जी हैं, हीरोइन हैं यामिनी सिंह जी और इसमें मैं विलेन का रोल कर रहा हूँ। मैं मेरा रोल एक विधायक का है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इस फिल्म में 4 लड़के हैं, समर सिंह हैं, प्रवेश लाल यादव जी हैं, अंशुमान हैं और मेरा नाम रोहित सिंह है। तो 4 लड़कों की ये मूवी है, चौथा मैं जो कृष्णा का कैरेक्टर है। जिला जौनपुर में जौनपुर वासियों का क्या दिल बना रही है? सबसे बोलूँगा कि आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, करते रहिए और हम लोग इस पिक्चर के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। अभी भी है जो प्लीज़ आप जाइए देखिए, बहुत अच्छी फिल्म है, पारिवारिक है, आप सब फैमिली के साथ देख सकते हैं। बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत मेहनती हैं और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इस पिक्चर को बनाने के लिए। तो सब मेहनत कर रहे हैं लेकिन डायरेक्टर ही फिल्म का असली हीरो होता है मेरी नज़र।
बहुत मेहनत करते हैं। इस फिल्म में कुछ डायलॉग आपके जो एक्चुअली इस फिल्म में मेरा कैरेक्टर नॉटी टाइप है, लाइक अक्षय कुमार जिस तरह से वो करते रहते हैं, वो तीनों को परेशान करता है। वो मजे ले रहा है, हराम को टाइप है और सबका प्यारा भी है, चार लड़कों में छोटा है, सबसे मजे लेता रहता है, आप लोग इन्जॉय करेंगे। और कुछ जानना चाहेंगे आपके बारे में? दर्शकों को अपने लफ्ज में दो सब पिछले किसी फिल्म के बारे में यार। देखिए साउथ की मूवी अभी जो है जस्ट फिनिश करके आई फेब्रुवरी में रवि तेजा के साथ में, सेकेंड एंट्री थी वो। बाकी मैंने वेब सीरीज काफ़ी करे हुए हैं, सीरियल्स करे हुए हैं, वो आप देखेंगे तो काफ़ी पता चल जाएगा। ट्राई पेट्रोल वगैरह काफ़ी करा हुआ है, सोलर इंडिया काफ़ी करे हुए हैं, सीरियल पहले आता था ससुराल सिमर का वो मैंने करा हुआ है। पहले तो सभी लोगों को मेरा नमस्कार, और जौनपुर एक्चुअली मैं पहली बार नहीं आई हूँ, जौनपुर मेरी नानी का ननिहाल है, तो ये जौनपुर तो मेरी भूमि है एक तरह से। और हाँ, भगवान हाजिर हो को लेकर के हम लोग आए हैं, कोविड 19 के बाद बहुत ही सेफली पहली फिल्म जो कर रहे हैं हम लोग इस टाइम पे, वो यही फिल्म है अभी। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ आकर के, मेरे मैं आज दूसरा दिन है जो आई हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, काम भी अच्छे से हो रहा है, काफ़ी सेफ्टी है, सब सोशल डिस्टेंसिंग सब ने मेंटेन करके रखी हुई है, तो अच्छा लग रहा है मुझे। कभी कैसा होता है ना कि इस फिल्म से यही पता चलेगा कि कभी कभी हम भगवान को देखे नहीं, भगवान को मूर्तियाँ देखते हैं, किसी ने भगवान को नहीं देखा है। तो मेरा भी मानना यही है असल ज़िंदगी में कि इंसान में ही भगवान होता है। मेरे लिए आप भी भगवान हैं, सब भगवान हैं, मेरे सारे दर्शक भगवान हैं, मेरे माँ बाप भगवान हैं, मेरे डायरेक्टर, मेरे प्रोड्यूसर सब भगवान हैं मेरे लिए। तो वैसे ही इस फिल्म में भी कुछ ऐसा है कि कोई होगा जो भगवान हो जाएगा लोगों के लिए, और फिर वो लोग बोलेंगे कि भगवान हाजिर हो। आप सब ने मुझे इतना प्यार दिया, और आज की डेट में पहले तो यामिनी सिंह से नाम था, अभी एक ऐसा जीता जाता नाम आप लोगों ने बना दिया। फिल्म निर्देशक सचिन यादव जी के बारे में दो शब्द। उनके लिए मैं क्या कहूँ, वो पहले इंसान है जिनसे मैं मिली थी स्टार्टिंग में, हमने काम कभी नहीं किया था, हम साथ में हम सर से मिले थे, सर मुझे बहुत मानते हैं, बहुत ज़्यादा, उन्हें ऐसा लगता है कि मुझ में वो कैलिबर है कि मैं कर सकती हूँ और लाइफ में अच्छा भोजपुरी के लिए अच्छा कर सकती हूँ। तो वो मुझे हमेशा से कहते थे कि बेटा तू अच्छा करेगी, तू अच्छा करेगी, तू लड़का है पागल, तू शेर है अपना। और आज ऐसा है कि उन्होंने जब नहीं भी फिल्म उनको हाथ में नहीं थी तभी भी उन्होंने कह दिया मेरी फिल्मों में तुम ही हीरोइन रहने वाले हो, मुझे हीरोइन की ज़रूरत ही नहीं है, मेरे पास तो है पहले से। तो उनके लिए अब क्या ही कहूँगी, एक अच्छे डायरेक्टर है भगवान और अच्छे इंसान है, भगवान उनको खूब तरक्की दे, और मुझसे जितना भी होगा मेरे अपनों के लिए मैं हमेशा करती रहूँगी।